कलयुग के युग में दोस्त दोस्त का नहीं है सगा। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र में रहने वाली छात्रा ने अपनी सहेली पर उसके बॉयफ्रेंड के साथ की अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। इसकी शिकायत को लेकर जब पीड़िता थाने पहुंची तो वहां पर FIR भी नहीं लिखी गई, जिसको लेकर के अब न्याय की मांग के लिए पीड़िता SP कार्यालय पहुंची है। कार्रवाई न होने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र में रहने वाली छात्रा ने अपने ही सहेली पर उसके बॉयफ्रेंड के साथ की फोटो और वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत पहले इंदौर और उसके बाद रीवा के समान थाने में की गई। पीड़िता ने इसके पूर्व 1 तारीख को समान थाने में भी शिकायत लेकर पहुंची थी, लेकिन पुलिस द्वारा FIR नहीं लिखी गई और शिकायती आवेदन लेकर घुमाते रहे। इसके बाद पीड़िता SP कार्यालय पहुंची, जहां पर उसने न्याय के लिए ज्ञापन पत्र सौंपा है। उसने बताया कि वह इंदौर में किसी काम से अपने दोस्त के यहाँ रहती थी और साथ ही एक रूम में रहती थी। यहाँ उसकी पहचान विपिन सोनी निवासी मनिकवार नामक युवक से हुई और दोनों की दोस्ती हुई। पीड़िता ने बताया कि इस बीच उसके साथ रहने वाली सहेली और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर पीड़िता सहित विपिन सोनी के साथ की कुछ फ़ोटो हासिल कर ली, जिसे अब सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि बीते 1 तारीख से ये फ़ोटो सोशल साइट पर उसकी सहेली द्वारा पोस्ट की जा रही है और शिकायत करने पर उसने इंदौर सहित रीवा के समान थाने में की है, लेकिन कहीं भी उसे न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके बाद वह SP कार्यालय पहुंची है। पीड़िता ने बताया कि अगर जल्द ही उसे न्याय नहीं मिला तो वह कोई बड़ा कदम उठा सकती है। मैंने पहले ये केस है, इंदौर गई थी, एक फ्रेंड थी मेरी, फ्रेंड थी ठीक है, उससे लड़ाई हो गई। वो मेरी पर्सनल जो फोटो है लड़के के साथ, विपिन सोनी के साथ है, वो सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम में फेक ID बना के सोशल मीडिया में शेयर कर रही है। वो खुद लड़की मेरे भाई को, मेरे दीदी को पर्सनल मैसेज करके शेयर कर रही है और बोल रही है कि हम नहीं किए हैं, जो करना है कर लो, धमकी दे रही है। वो लड़की है, लड़की का नाम है रामलली बैस है और लड़के का नाम है विपिन सोनी है, मनिकवार का है विपिन सोनी। और जो एक लड़का और मिला है गोलू साकेत है, वो रामपुर नेकिंग का है। ये लड़की भी रामपुर नेकिंग साइड की है, मऊ गांव की है, और आए दिन मुझे प्रताड़ित कर रही है, बोलती है तुझे जो करना, जहाँ जहाँ जाना है वहाँ जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ नहीं करेगा मेरा, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और लड़का है तो फोन ही बंद करके रखा, विपिन सोनी जिसके साथ मेरी फोटो सोशल मीडिया में निजी तस्वीरें वायरल हो रही है, वो लड़का अपना फोन बंद करके रखा है। उसके घर वाले भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। थाने गए, थाने वाले बोले आवेदन लिख दो, ऐसा वैसा सब कुछ बोले। मैम बोली, वो आचार सिंह है, डबल स्टार मैम है, वो समान थाना गई थी, बोलती है मैं सब कुछ करवा दूंगी, हो गया ठीक है, तुम वो आवेदन दे दो, मैं वहाँ फोटो कापी जितनी, मतलब जो भी सोशल मीडिया मेरी फोटो से वो कर रही है, जो लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा था विपिन सोनी, उसके खिलाफ पूरे सबूत में दी, वहाँ जमा कर दी। 1 हफ्ते हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो लड़की पुनः फिर से प्रताड़ित कर रही है, फिर से सोशल मीडिया में फोटो डाल रही है, ये इंस्टाग्राम में सोशल मीडिया, मेरे पूरे रिश्तेदार को फॉलो की है, सबको भेज रही है, मेरे पूरे समाज में सब जगह सोशल मीडिया में फैल गया हुआ है। समान थाना वाली पुलिस एक भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, FIR दर्ज नहीं की है, लेकिन आवेदन लिखवा लिया उसमें भी कुछ भी नहीं करवा रही है। FIR क्यों नहीं दर्ज किया गया? नहीं, FIR दर्ज नहीं कर रही है, पता नहीं, बोले आवेदन लिख दो सब करवा देंगे। कितने दिन हो गए तक? ये मेरे को 1 हफ्ते हो गए, समान थाना में केस हुआ, फिर इसके बाद ये जो लड़की कर रही है, जो लड़के मुझे परेशान कर रहे हैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में फोटो वायरल कर रहे हैं, वो आज 1 तारीख हुआ है, 16-17 दिन हो गए, 16-17 दिन से मैं प्रताड़ित हो रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं सुसाइड कर रही हूँ, मेरे घर वाले भी मुझे निकाल दे रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा मेरी शिकायत की थी, तो क्या बोली है? आंचल सिंह मैम है, डबल स्टार है, वो बोलती है, उनको मैं बताई सब पूरा केस, तो वो बोलती है तू झूठ मूठ को बोल रही है, वो तू पैसा खाने के लिए, कोई एक और अंकल थे, मतलब पुलिस ही थे, वो उनका नाम नहीं, कोई सिंह ही है, वो बोले कि ये लड़की झूठ बोल रही है, तो उनके बातों में आके वो बोलती है कि तू पैसा खाना चाहती है, तू पैसे खा रही है, ये मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, उस लड़के को बोल दूंगी तेरे से शादी नहीं करे, भले मैं 76 लगा दूंगी, लेकिन तुझे पैसे खाने नहीं दूंगी, तुझे बर्बाद, तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं, वो मीडिया में बता दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, इस तरह आंचल मैम मेरे को बता दी और मेरी कोई कार्रवाई नहीं सुनी।